हाय फ्रेंड, वेलकम टू विप्लव पेट्स वर्ल्ड। आज की वीडियो में हम देखेंगे फिश फूड मेकिंग फॉर एक्वेरियम फिश। आज की टॉपिक होममेड फिश फूड। आज जो फिश फूड हम बनाएंगे ये बहुत ही हाई प्रोटीन फिश फूड है, तो वीडियो को एंड तक देखिए। ये फिश फूड बनाने के लिए हम थोड़ा सा सिम्स ले लिया और दो कुआ लहसुन। लहसुन आप अगर आपके फिशेस को खिलाए तो आपके फिशेस की हेल्थ बहुत ही अच्छा रहेगा। आप किसी भी फिश फूड के साथ लहसुन की जूस मिक्स करके फिशेस को खिलाने से आपकी फिशेस की इंटरनल पैरासाइट होने का चांस बहुत ही कम रहेगा। लहसुन की जूस को आप आपके फिश फूड के साथ कैसे मिक्स करके आपके फिशेस को खिलाएंगे उसके बारे में हमारा एक वीडियो है, आप ज़रूर वो वीडियो एक बार देख लीजिए। फर्स्ट सिम्स को एक बार अच्छी तरह क्लीन कर लीजिए। इसके बाद सिम के साथ एक चम्मच रॉक सॉल्ट डालकर 15 मिनट ऐसे छोड़ दीजिए। 15 मिनट बाद आप सिम्स को अच्छी तरह पानी में क्लीन कर लीजिए। उसके बाद आप सारे सिम्स की जो खोसा है वो निकल लीजिए। ऐसे पूरा निकलने के बाद आप लहसुन को थोड़ा बारीक कर लीजिए। मैं फर्स्ट करने के लिए इससे मदद से मैं लहसुन को बारीक कर रहा हूँ। आप अगर लहसुन को अच्छी तरह पेस्ट कर लिया तो बहुत ही अच्छा रहेगा। इसके बाद आप लहसुन और सिम्स को एक सीजर की मदद से अच्छी तरह बारीक कर लीजिए। आप चाकू में भी कर सकती है, जैसे कीमा मानते हैं ऐसा ही बारीक कर लीजिए। जितना बारीक होगा उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि ये छोटा बड़ा सभी पीसेस की खाने के लायक बन जाएगा। अब फिश फूड रेडी हो गया। अब इसको एक लव पैकेट के अंदर भर के फ्रिज में रख दीजिए और 1 वीक तक आपके फिशेस को खिलाइए। देखिए फिशेस कितना मज़े से खा रहा है ये। तो फ्रेंड आज इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ वीडियो अगर अच्छे लगे तो लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिए। सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।